Hello students, welcome to our online classes. Myself Ranjana Singh. This is class 6, subject history, chapter 1, introducing history. Yesterday we discussed about archaeological sources, and today we will discuss about literary sources. So what are literary sources? Literary sources are written records or handwritten inscriptions found in palm leaves or barks, etc., are called manuscripts. They are of two kinds, namely religious and secular literature. Literary sources वो होते हैं जिसमें हमें written records मिलते हैं, जिन inscriptions में हमको written record मिलता है. और कभी कभी ये रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाल्म लीव्स या बार्क लीव्स पे लिखे हुए होते हैं, उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं. पहले पुराने समय में लोग जब पेज अवेलेबल, ये पन्ना या कागज़ अवेलेबल नहीं था, तब लोग पत्तों में लिखते थे, और उन पत्तों को आज भी म्यूज़ियम में रखा गया है. तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे, वो दो भागों में बटे हुए हैं. नंबर एक रिलीजियस सोर्सेज एंड नंबर टू सेक्युलर लिटरेचर. रिलीजियस लिटरेचर, दीज आर सोर्सेस मटेरियल रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, पाली और तमिल. दीज सोर्सेस थ्रो लाइट ऑन द टीचिंग्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स. रिलीजियस लिटरेचर में हमें उन वो मटेरियल्स मिलते हैं जो कि लिखित हैं और विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे संस्कृत, पाली और तमिल, जो कि उस टाइम पर जो भाषा बोली जाती थी उसी में ये लिटरेचर लिखे जाते थे. और इनमें ज़्यादातर क्योंकि धार्मिक पुस्तकें होती थी, इसीलिए हम इनको रिलीजियस लिटरेचर में रखते हैं. द टू ग्रेट इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत कन्वे द इमेज ऑफ विक्ट्री ओवर इविल. दो सबसे बड़े जो महाग्रंथ हैं हिंदू के, रामायण और महाभारत, जो कि हमें ये बताती हैं कि किस तरह से बुराई पर अक्षय ने जीत हासिल की.